कोविड-19 का अभी फिर से एक पेंडेमिक आ जाएगा क्या, ऐसा सबको लग रहा है। सबके मन में एक ऐसी शक हो गया है, डर बैठा है कि क्या होगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों में अकोला, अमरावती ये जिलों में जमावबंदी के आदेश जिलाधिकारी ने निर्गमित किए हुए हैं। यहाँ ऐसा हो जा रहा है कि एक 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 डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100 से 120, 150 बड़े सिटीज़ में 300, 400 कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट डायग्नोज हो रहे हैं। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये म्यूटेशन हो गया, वही कोरोना वायरस है जो पहले था, कि अभी ये दूसरा वायरस म्यूटेटेड आ गया। लोगों ने वैक्सीन लिया उनको भी ये होगा क्या? जिनको कोरोना पहले हो गया है उनको ये होगा क्या? किसी को पता नहीं है। सब अपने अपने अटकलें लगा रहे हैं, अपने अपने अंदाज लगा रहे हैं, और उसमें जो भी निकलेगा वो निकलेगा, सत्य सामने आएगा, क्योंकि सामने दिखेगा क्या हो रहा है। तो आज तो ऐसा हो गया कि 28 फरवरी तक जिलाधिकारी दोनों डिस्ट्रिक्ट के, अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि भाई जमावबंदी, 5 के ऊपर लोग जमा नहीं हो सकते, शादियों में 50 तक अलाउड किया है। मेरी से सबसे रिक्वेस्ट है कि मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क ये बहुत ही बेस्ट, बेहतरीन प्रिवेंटिव एड है, और जितना कम बाहर जा सकती उतना कम बाहर जाना चाहिए। जितने ज़्यादा जमा होने का जो कारण है कि भाई कुछ भी, कहाँ भी लोग जमा हो जाते, फटाफट बाजार में जाते हैं, वहाँ रश रहता है, तो ऐसा टाल देना चाहिए लोगों ने, क्योंकि ये संसर्गजन्य है। एक दूसरे के पास में जाते हैं, मालूम नहीं कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, और तुरंत वो पकड़ लेता है एक दूसरे को। वैसे तुरंत यदि आपको लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा कि बुखार है, जुकाम है, गले में खराशी, सर दर्द हो रहा है, टेस्ट नहीं है मुँह को, बदन दर्द हो रहा है, ऐसे कुछ जो लक्षण है कि जो खांसी हो रही है बहुत, यानी ऐसा थोड़ा लगता है कि सर्दी खांसी हो रही है, मतलब ठीक है यार होते रहता है, ऐसा नहीं है। हर सिम्टम को सीरियसली लेना जरूरी है और उसको डायग्नोज करना, मतलब RT-PCR टेस्ट करो या रैपिड एंटीजन टेस्ट करो, डायग्नोज करो, आइसोलेट हो जाओ, तुरंत दवाई चालू करो, वही जरूरी है। नहीं तो फिर से हम एक तीसरे वेव को, या हो सकता है चौथे वेव को भी सामने हमें जाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।